everyone, this is Praveen Kumar and welcome back to Matcha. Once again, greeting from the home base Indore. And as we already aware of that, Indore is one of the cleanest city of India, not only from the last year, but consistently being from the last 6 years. So, today's poetry is on the cleanliness and I'll show you the clip of my Kavyanjali event. This poetry is well written by Apoor Vikram Shah. And वैसे तो वो एक वीरस के कवि हैं, तो let's dive in. I'm sure it was हमारे लिए. सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के फौलाद ने, शासन को नाकाम कर दिया एक वीर आजाद ने, खेल जगत को हिला दिया है कोहली साइना नाम ने, इतिहास बदल कर दिखा दिया है अपने चाचा कलाम ने, जब दस्तखत है इस मिट्टी का समूचे आसमान पर, तो गंदगी का धब्बा कैसा मेरे हिंदुस्तान। इस मंच के हवाले से आप लोगों का कुछ बात होता है कि सुन लीजिए, हर मर्ज का उपचार है बच्चे, फिर माँ ये क्यों सोच रही बीमार है बच्चे, कारण इसका छोटा सा है, एक भार ढोना भूल गए, खाने से पहले बेचारे हाथ धोना भूल गए, क्या ये अच्छा लगता है, कलम हमारी ये कहने का था भारत का भविष्य निराला, बिस्तर पर आराम, यूं तो हमको कविताओं में वीरों की तलवार दिखानी है, सरहद पर भी सेना की हुक्कार दिखानी है, आतंकियों को हर बार ललकार लगाना है, पर ये कविता सुना रहा हूं मंजिल मेरी एक है, देश के सब दुश्मनों में अस्वच्छता भी एक है, अक्सर हमें कहा जाता है पर माफ कीजिएगा, मुस्तकबिले वतन इस देश का भविष्य है आप, कुछ इस तरह लिखा है, मुस्तकबिले वतन है आप, देश को बढ़ाना है, दुनिया ने जो सोचा नहीं वो सब कर दिखाना है, एहसास इस बात का सिर्फ तुझको जागरूकता की क्या हासिल है, ख्याल को अपना है यही देश की हिफाजत है, और सुन लीजिए बड़े सब, देश का बच्चा अगर बीमार है इस मुल्क के भविष्य को ये सबसे बड़ा प्रश्न, वैसे तो स्वच्छता शक्ति या फसल का विषय नहीं है, पर फिर भी क्यों ये विषय इतना जरूरी हो चला है वो बताने आया, इस आजाद हिंदुस्तान की सबसे शर्मनाक तस्वीर दिखाने आया, तो फरमाइएगा ये वंदन की धरती है अभिनंदन की धरती, ये वो धरती है जिसे मां दुर्गा का वर्णन, कभी ये लक्ष्मीबाई बनी तो कभी रजिया सुल्तान है, नारी हर घर ग्राम को विश्व को संदेशा, यही नारी यही कल्पना यही तो मदर टेरेसा, रथभूति यान बचाती कभी पदमनी रानी है, राजवंश की रक्षा हेतु पन्ना दाई कुर्बानी है, और सिंह सवारी करती नारी जहां सुरों के संधान, बहु को शौचालय नसीब नहीं है ऐसे ही लोग बैठे वो पूजा या इबादत करते हो तो जरा सोचने का मेरा विषय आराम के साधन क्या के मन ना हो तो क्या हुआ, घर के आगे तो मन वाहन ना हो तो क्या हुआ, आरती अगर याद नहीं तो ये तरीका देखो, पूजा अर्चना प्रार्थना का ये सरीका देखो, रथ की तो मर्यादा बेटी पहले उनका तो कल्याण करें, मंदिरों में सत्यवाद पहले स्वच्छ कर बात, मैं मानता हूं कि बात थोड़ी सी पर किसी की मजबूरी, घर की देवी अगर नाराज है, नाराज की